नमस्कार प्रणाम, मैं ददमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स के आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो एलएलबी ऑनर्स में सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका 5वां पेपर है लॉ ऑफ टॉट्स का, और सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के लॉ ऑफ टॉट्स के इस पेपर में जो मुख्य टॉपिक्स की बात हमको करनी है उसके पहले हम एक बार सिलेबस को देख लें। सबसे पहली जो यूनिट है उसमें आपको टॉट की जो सामान्य जो उसका परिचय इंट्रोडक्शन है उसके विषय में देखना होता है। आपको विनफील्ड की डेफिनेशन, विनफील्ड के द्वारा दी गई डेफिनेशन, सामन के द्वारा दी गई डेफिनेशन, टॉट में और टॉट्स में क्या अंतर है, पिजन होल थ्योरी है, और उसके बाद कुछ जो जनरल कंडीशंस हैं, जो जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी हैं टॉट के अंदर, उसको पढ़ना होता है। जैसे अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि टॉट का जो डेवलपमेंट है, टॉट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, टॉट का डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ, भारत में जो टॉट का डेवलपमेंट कह लें या भारत में टॉट का जो एक्सेप्टेंस है वो हमने कहाँ से किया है, उसको कॉपी तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कहेंगे कि हमने टॉट को जो टॉट का कंसेप्ट है, अपकृत्य विधि का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा कोड, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा बिल एक्ट तो था नहीं, तो हमने कहाँ से वो चीज़ लिया है। दूसरी चीज़ है कि इंडिया में भी एक तो आपको टॉट का डेवलपमेंट पढ़ना होता है और साथ ही साथ आपको इंडिया में टॉट का डेवलपमेंट पढ़ना होता है कि भारत में टॉट का, भारत में अपकृत्य विधि का विकास किस प्रकार से हुआ, उत्तर उत्तर वो किस प्रकार से बढ़ता गया। वहीं पर एक सवाल आपके लिए, जिस समय आप भारत में विकास पढ़ रहे हैं वहीं पर एक चीज़ और आपके लिए ज़रूरी है जो पढ़ना है आपको कि इंडिया में टॉट के नॉन डेवलपमेंट के कारण क्या है। क्या कारण ये है कि हमारे यहाँ पर स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, कि अगर आपको 100 रुपये का मुआवजा किसी से लेना है, अगर आपको लगता है कि मुझे 100 रुपये का मुआवजा किसी अस्पताल के खिलाफ, किसी नगर निगम के खिलाफ या किसी सक्षम अधिकारी के खिलाफ करना है, 100 रुपये का मुआवजा प्राप्त करना है, तो 5 साल मुकदमा लड़ना है, 5 साल में 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये वकील साहब को देना है और चप्पलें घिसनी है, तो उसके बाद हमको 100 रुपये का मुआवजा मिलेगा। तो क्या ये नॉन डेवलपमेंट का कारण है, क्या जो इंडिया में टॉट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है, कानून की कमी है, इस प्रकार से आपको पढ़ना होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस पढ़ने होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और टॉट में क्या अंतर है। लॉ ऑफ क्राइम के जो सामान्य प्रोविजन है, जैसे वहाँ पर भी डिफेमेशन है, यहाँ पर भी डिफेमेशन है, यहाँ भी हर्ट है, वहाँ भी हर्ट है, एक तरीके से कहें तो जो बैटरी असाल्ट वाला है वो दोनों में थोड़ा सा सेम नहीं कहेंगे, सिमिलर है, दोनों में अंतर क्या है, लॉ ऑफ क्राइम्स के प्रोविजंस में और यहाँ के प्रोविजंस में क्या अंतर है, क्या टॉट के किसी मसले में आपको जेल होती है, क्या अगर आपके ऊपर कोई टॉर्शियस लाइबिलिटी फिक्स हुई तो क्या आपको जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज, जो टॉट के अंदर मेंटल एलिमेंट है, मोटिव का मतलब क्या है यहाँ पर, इंटेंशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मैलिस है, जो टॉट के अंतर्गत मैलिस है, जो बैड माइंड है, वो उसके प्रकार क्या क्या है। एक दो आपको मैक्सिम पहली यूनिट में ही पढ़नी है, यूबी जो सिबी रेमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां पर आपको राइट मिला हुआ है वहां पर आपके पास रेमेडी है। दूसरी यूनिट जो जस्टिफिकेशन रेमेडीज और डैमेजेस की है, टॉट के अंदर क्या जस्टिफिकेशन है, क्या रेमेडीज है, क्या जो आपके जस्टिफिकेशन है डैमेजेस को लेकर के है, वो क्या क्या है। पहली मैगजीम और पहला ही सवाल आपके लिए बनता है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, इनिटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, पेरेंटल अथॉरिटी, क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, जो प्राइवेट डिफेंस का मतलब है क्या है। उसके बाद एक सवाल आपके लिए बनता है कि हु कैन नॉट स्यू और हु कैन नॉट बी सूड, कौन सू नहीं कर सकता है और कौन सू नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो जनरल रेमेडीज हैं टॉट की वो आपको पढ़नी है, डैमेजेस का मतलब क्या होता है, डैमेजेस के प्रकार क्या क्या हैं, और वहीं पर आपको रिमोटनेस पढ़नी होती है, क्षति की दूरवर्तिता की, जो वैगन माउंट केस था, जो रिपॉलिमस केस था, उस केसेस के आधार पर जो क्षति की दूरस्थता की बात की गई है तो वो क्या है। अगर आज आपको कोई, आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि आपको लगता है कि मैं सामने वाले की टॉर्शियस लायबिलिटी फिक्स करूंगा और उस घटना पर आपने कुछ रिएक्शन नहीं किया, 5 साल बाद आप जा रहे हो न्यायालय में जा रहे हो और आप कह रहे हो कि फला तारीख को 5 साल पहले मेरे खिलाफ ये चीज हुई थी, मेरे ऊपर ये चीज हुआ था, आज 5 साल बाद मुझे ये बड़ा नुकसान हो गया, तो क्या इतनी लंबी क्षति की दूरवर्तिता को लेकर के बात हो सकती है क्या। तो वो आपको रिपॉलिमस केस और वैगन माउंट केस के निर्णय पढ़ने होते हैं। कई बार सीधे सीधे आपसे सवाल वैगन माउंट केस को लेकर के पूछा जाता है कि फैक्ट बताइए और उसके दिए गए सिद्धांत को बताइए, आपको लिखना मुख्यतः यही होता है। तीसरी यूनिट जो है वो है आपकी टॉट रिलेटेड टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, जिसमें आपको असाल्ट, बैटरी, फाल्स इंप्रिजनमेंट पढ़ना होता है, अब्यूज पढ़ने होते हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, फाल्स इंप्रिजनमेंट के साथ साथ जोड़ करके हमेशा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पूछा गया है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मतलब क्या होता है,
उसके बाद जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड है टॉर्ट है, मसलन ट्रेस्पास है, न्यूसेंस है, लैंड को लेकर के, गुड्स को लेकर के ट्रेस्पास है, डिफेमेशन जिसकी हम लोगों ने शुरुआत में बात की है, जो कन्वर्जन टॉर्ट टू इनकॉर्पोरेट पर्सनल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट को लेकर के, ट्रेडमार्क को लेकर के, जो बहुत नए प्रकार के ट्रेंड हुए हैं सवालों के, वो इस प्रकार यहाँ से पूछा गया है। एक सवाल आपके लिए एक मैगजीन बहुत जरूरी है, रेसिप्सा लॉक्यूटर का मतलब क्या होता है, जहां पर फैक्ट अपने आप चीजों को कह रहा है, पेश कर रहा है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, दो व्यक्ति के अगर सहयोग से, आपस के योग से, कुछ साथी सहमति से, अगर कोई सहमति नहीं, साथ के अगर सहयोग से कोई टॉर्ट इज टॉर्टस लाइबिलिटी हो रही है, कंट्रीब्यूशन से हो रहा है, तो दोनों के, और नेग्लिजेंस कर रहे हैं दोनों, तो किस प्रकार से उसमें सजा मिलेगी, दंडित किया कैसे जाएगा। और एक आपके लिए जो बड़ा सवाल है लाइबिलिटी का, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट का मतलब क्या होता है, एमसी मेहता केस में क्या हुआ था, राइलन वर्सेस फ्लेचर से लेकर के एमसी मेहता केस तक जो आने में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तक आने में इंडिया में किस प्रकार का जो सिद्धांत है लाइबिलिटी को लेकर के, वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। चौथी यूनिट पूरी की पूरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेकर के है। पहले 1986 का एक्ट हुआ करता था, 2019 में इसको दांत दिए गए, नाखून दिए गए इस एक्ट को, मतलब इसको बहुत मजबूत किया गया है, जिसमें आपको कुछ फोरम के विषय में पढ़ना होता है, क्या क्या रेमेडीज हैं उसके, ज्यूरिडिक्शन को लेकर के, पावर फंक्शन को लेकर के, अपील कैसे होती है, और कभी कभी ई कॉमर्स को लेकर के भी चीजें पूछी गई हैं। अब हम एक एक करके सवालों की बात कर लेते हैं। एक सवाल तो आपको जो टॉर्ट का नेचर है, डेफिनेशन है, विनफील्ड सामन की डेफिनेशन, विनफील्ड सामन के द्वारा टॉर्ट की दी गई डेफिनेशन, टॉर्ट टॉर्ट्स का जो अंतर है वो कायदे से पढ़ करके जाना है, एक सवाल आपको यहाँ पर बहुत जरूरी मिलना है। और जिस समय आप ये सब पढ़ रहे हैं, टॉर्ट टॉर्ट्स का अंतर पढ़ रहे हैं, वहीं पर आप टॉर्ट का और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अंतर पढ़ करके जाइएगा। टॉर्ट में लॉ ऑफ क्राइम्स के जो मुख्य जो प्रावधान में जो मुख्य अंतर है वो क्या है उसको पढ़ के जाइएगा। दोनों में सजा का जो अंतर है, दोनों में जो उसका उसको उसके ट्रायल की जो प्रक्रिया है, उसके विचारण की जो प्रक्रिया है, उसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। एक सवाल आपको यहां से मिलना संभाव्य है। दूसरा सवाल टॉर्ट के डेवलपमेंट को लेकर के है कि टॉर्ट का डेवलपमेंट इंडिया में किस प्रकार से हुआ है, भारत में विकास बताइए, भारत में बैकड्रॉप बताइए, भारत में इसकी पृष्ठभूमि बताइए, भारत में इसके विकास के कारण, ना विकसित होने के कारण बताइए, हम लोगों ने कहां से लिया है, इस प्रकार से चीजें आपको देख करके जानी है। और इन दोनों में अगर आप एक सवाल पढ़ करके जाना चाहते हैं तो एक सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, यूबी जो सभी रिमेडियम का, तो यूबी जो सभी रिमेडियम को कायदे से पढ़ करके जाइएगा। हो सकता है वो आपको यूनिट वाइज सवाल ना मिल करके यूबी जो सभी रिमेडियम भी मिल जाए, और यूबी जो सभी रिमेडियम के साथ साथ कई बार वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया ए बी करके पूछा गया है, 7.5 या 7 नंबर के दो सवाल हो जाते हैं। प्रयास करिए कि अगर एक मैगजीन के विषय में आप 2 पेज लिख रहे हैं तो दूसरी मैगजीन के विषय में भी आप 2 पेज लिखने का प्रयास कीजिए। जिस भी मैगजीन के बारे में बता रहे हैं सबसे पहले उसका लिटरल मीनिंग लिखा कीजिए, उसके बाद उसके जो आपके एसेंशियल या आपको लगता है रिक्वायर्ड एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट आप जिस भाषा में लिखना चाहते हैं लिखिए, इलस्ट्रेशन जरूर दीजिए, और लीडिंग केस लॉस के बिना टॉर्ट में गड़बड़ा जाएगा, आप लीडिंग केस लॉस पढ़ के जाइएगा। तो यहां से आपको 2-3 चीजें यह मिल रही हैं। उसके बाद जो जस्टिफिकेशन को लेकर के सवाल है उसमें आपको 2-3 मैगजीन पढ़नी ही पढ़नी, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी की बात हमने पहले कर दी है, एक्ट ऑफ गॉड इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो मतलब है, एक्ट ऑफ गॉड इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब क्या है, प्राइवेट डिफेंस, तीनों को कायदे से पढ़िएगा, उसके इलस्ट्रेशंस को खूब कायदे से देख करके जाइएगा। उसके बाद थोड़ी सी बात हम सरकारी वो करें, अगर रिमोटनेस ऑफ डैमेज की हम लोगों ने बात करी, क्षति की दूरवर्तीता को लेकर के कौन सी कसौटी अपनाई जाती है ये नापने के लिए कि हाँ इस एक्ट का ये डायरेक्ट कंसिक्वेंस है, इसलिए इस आदमी की टॉर्शियस लाइबिलिटी फिक्स करनी चाहिए ही चाहिए, उसको आप कायदे से देख लीजिएगा। बैटरी असाल्ट का अंतर कायदे से पढ़ लीजिए, फाल्स इंप्रिजनमेंट मैलिसियस प्रोसिक्यूशन का अंतर खूब कायदे से पढ़ करके जाइएगा। और यहीं पर आपके लिए डिफेमेशन जरूरी हो जाता है, रेसिप्सा लॉक्यूटर आपके लिए जरूरी है, उसको कायदे से देख लीजिएगा। लाइबिलिटी के बारे में दोनों चीजें बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एमसी मेहता साहब के केस में क्या कहा गया था, और राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, फ्लेचर वर्सेस राइलैंड में क्या कहा गया था, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या कहा गया था, और एमसी मेहता में क्या कहा गया था, तीनों की जो एक ओवरव्यू लेकर के जाइएगा। और जो शिफ्ट हुआ है जजमेंट में जो शिफ्ट होता रहा है उसको लेकर के भी पढ़ना है। लाइट चली गई भैया इसलिए वैसे ही बनाया जाएगा। तो एक तो हम लोगों ने बात करी कि असाल्ट बैटरी को लेकर के, फॉल्स इंप्रिजनमेंट और मेलिसियस प्रोसिक्यूशन को लेकर के, और उसके बाद आपके लिए जो एक चीज जरूरी है रेसिप्सा लॉक्यूटर को लेकर हम लोग बात कर रहे थे जब लाइट गई है, लाइबिलिटी को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, लाइबिलिटी आपको कायदे से देखनी है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाली जो चीजें हैं उसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज ये देखनी है अपनी जानकारी के लिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या ऐसी कमियां थी, क्या ऐसी दुविधा थी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बदल करके और 2019 में नया एक्ट लाया गया, और जो 2019 में एक्ट लाया गया उस एक्ट से क्या लाभ ऐसा हुआ जो अभी ठीक ठाक चल रहा है, ये मसला चल रहा है। उसके बाद जो आपके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध प्रतितोष आयोग है, जो फोरम है,
अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये चीज यहाँ पर कुछ डेफिनेशन छोटी पढ़नी है कि क्या जो जैसे कोई होलसेलर है, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा है और इसलिए खरीद रहा है ताकि वो आगे जाकर के उसको बेच सके, तो क्या वो इस वाले एक्ट के अंतर्गत क्या वो कंज्यूमर है? या जो कंज्यूमर का मतलब होता है वो होलसेल उस व्यक्ति से ही संबंधित होता है जो उसे कंज्यूम करने के लिए खरीदता है। अगर ये व्यक्ति सामान को खरीद करके बल्क में खरीद करके और बल्क में उसको बाहर सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, तो क्या वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सब्जेक्ट है, जो विषय वस्तु है, वो कौन है। कंज्यूमर का जो डेफिनेशन है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, उस चीज को देख लीजिएगा। उसके बाद आप आइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेल एंड फीचर्स पर, और जिस समय आप सेल एंड फीचर्स पढ़ रहे हैं उस समय आप पाएंगे कि जिले स्तर से लेकर के सारे जिलों में, सारे स्टेट्स में और एक नेशनल लेवल पर एक फोरम है, एक कमीशन है, जागो ग्राहक जागो का एड देखते हुए, विज्ञापन देखते हुए हम सभी बड़े हुए हैं। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के फेलोर से लेकर के 2019 तक का जो शिफ्ट, जो वहां तक आने की पूरी प्रक्रिया है, उसको कायदे से पढ़िएगा। किसी भी आयोग को जब आप पढ़ रहे हो, चाहे वो जिले स्तर का आयोग हो, चाहे स्टेट का कमीशन हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का आयोग हो, सबसे पहली चीज हमेशा उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, उसका ज्यूरिसडिक्शन पढ़िए, उसके पावर्स पढ़िए, उसके फंक्शंस पढ़िए, किस प्रकार से वो रेमेडी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, जो उसकी मशीनरी है, जो उसका मैकेनिज्म है, किस प्रकार से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कि उनका अधिकार ना मारा जाए, उनका जो हक है उनका वो डिफीट ना हो। तो यहां से आप प्रयास करिए कि एक सवाल मजबूत तैयार करके जाइए, फीचर से पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो फीचर से आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम सारी चीजें ये स्पष्ट हो जाएंगी कि 1986 के एक्ट में जो जिले स्तर का फोरम था उसको ये शक्ति नहीं मिली थी, इसलिए इस चीज को जब 2019 में लाया गया तो उसको ये शक्ति मिल गई। आज की डेट में सफल इसी कारण से है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि आपको सबसे पहले तो जो टॉर्ट का इंट्रोडक्शन है उसको लेकर के एक सवाल तैयार करना है, जो जनरल कंडीशंस इन लायबिलिटी है, जो जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी है उसको लेकर के एक से दो सवाल आपको मिलना है, जस्टिफिकेशन, रेमेडीज और डैमेजेस इन टॉर्ट, इन तीनों से आपको एक एक सवाल तैयार करके खूब कायदे से जाना है। टॉर्ट रिलेटिंग टू पर्सन की हम लोगों ने बात की है, प्रॉपर्टी को लेकर के बात नहीं की है, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर के सवालों का जो पूछे जाने का तरीका रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है, वो बहुत कम पूछा भी गया है। और उसके बाद आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक से दो सवाल देखने हैं। जैसे एक सवाल मैं कहूं कि कहा जाता है कि भारत में अप्रत्य उन्नति नहीं कर पाया है, व्याख्या कीजिए, क्या आप इससे सहमत हैं? कहा जाता है कि इंडिया में टॉर्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इसको आप वो करिए, क्या कहते हैं उसको, व्याख्या कीजिए इसकी, और क्या भारत में ये सफल हो पाएगा कि नहीं, इस पर अपने सुझाव दीजिए। यह सवाल है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है, यू भी जो सुमेरी मीडिया वाली बात है, इसका अर्थ बताइए और कुछ जो केस लॉज है वो बताइए। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के उपचार हैं, दैवीय कृत्य का मतलब क्या होता है, अवश्यंभावी दुर्घटना इनेविटेबल एक्सीडेंट की हम लोगों ने बात की है, और जो दूरस्थता वाली बात करी उसमें जैसे एक सवाल था कि क्षति की दूरवर्तीता से आप क्या समझते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से आप क्या समझते हैं, डैमेजेज के निर्धारण में कौन कौन सी कसौटियां हैं, मतलब कौन कौन से मापदंड हैं, कौन कौन से पैमाने हैं, आपके अनुसार कौन सी कसौटी अधिक उपयुक्त है और कौन सी नहीं, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं। मिथ्या कारावास का क्या मतलब होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट में एक पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, इस फॉल्स इंप्रिजनमेंट में पूरा का पूरा जो प्रतिबंध है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपके लिए ऐसा रूम था, कुछ ऐसी जगह थी जो आपको प्रतिबंधित नहीं कर रही थी, टोटली जब वो चीजें पैक्ड होंगी तब माना जाएगा कि फॉल्स इंप्रिजनमेंट वो है, पूर्ण अवरोध जो है वो है। अच्छा, असॉल्ट बैटरी जब जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय आप प्रयास करिए कि असॉल्ट बैटरी के जो छोटे मोटे जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए, जैसे सवाल है कि ए बी पर मुट्ठी से प्रहार करता है, ए बी पर खाली पिस्टल तानता है, या ए बी पर खौलता हुआ पानी फेंकता है, इन तीनों में बताइए कि कौन सा वाला अपराध है। रायलेन वर्सेस फ्लेचर वाले जो हम लोगों ने बात की दायित्व की बात की, तो उसमें सवाल था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, या भारत में किस प्रकार से लागू है, निर्दितवादों की सहायता से, जो केस लॉज है उनकी सहायता से स्पष्ट कीजिए। या सवाल है कि रायलेन वर्सेस फ्लेचर में जो प्रिंसिपल है सिद्धांत क्या प्रपाउंड किया गया, सिद्धांत भारत में किस प्रकार से लागू है, 1868 का जो रायलेन वर्सेस फ्लेचर का केस है उसमें LR3 HL 330 के तथ्यों उसमें प्रतिपादित सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इस प्रकार से सवाल आपके लिए आते रहे। रिसेप्शन लॉकेटर को लेकर के सवाल किस प्रकार था कि घटनाएं स्वयं बोलती हैं, इसके प्रयोग के लिए आवश्यक अवयवों का जो एलिमेंट्स है उसका उल्लेख कीजिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी जो टॉपिक्स हैं उसमें से प्रयास करिए कि एक एक दो दो कंसीडर कीजिए आप, और जो सबसे जरूरी चीज है कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वहां के लीडिंग केस लॉज को अगर पढ़ सके तो बेहतर है। अगर कुछ कई बार इसमें सारे इंग्लिश केसेज हैं तो नाम में अगर थोड़ी सी आपको उलझन हो रही है तो आप किसी एक पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज,
जो अगर आपको केस लॉज का फैक्ट याद आ रहा है, उसका नाम हूबहू नहीं याद आ रहा है, तो परेशान होने की बात नहीं है, आप उसको इलस्ट्रेशन के तौर पर ए बी करके भी लिख सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को चौथे सेमेस्टर के दूसरे चौथे सेमेस्टर ऑनर्स के पांचवें पेपर को देने जा रहे लोगों के लिए। अगले पेपर को लेकर के आपका जो जो भी पेपर होगा उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।